हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको ब्यूटीफुल सा प्यारा सा स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी और ये बिल्कुल न्यू है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें ऊपर 1 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, नीचे 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और इन दोनों को बीच सेंटर में 1 मार्किंग और कर लेनी है। और इस तरीके से 1 इंच पे हमें ये सीधा लाइन ड्रॉ करना है और बीच सेंटर में 1 मार्किंग और कर लेनी है और इस तरीके से हमें शेप दे देनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसे बिना बुकरम बिना पेपर पेस्टिंग के बनाने वाले हैं और ये बहुत बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। और फ्रेंड्स देखिए, आगे इस तरीके से हमें ये शेप दे देना इस तरीके से। और सबसे पहले मैं इसे अस्तर पे कट कर रही हूँ। अस्तर आप अस्तर पे ही कट कर सकते हो, अगर अस्तर का नहीं है तो आप डायरेक्ट इसे स्लीव्स पे भी कट कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने शेप को कट कर लिया है और अब हमें अपना फैब्रिक लेना है और उस पर इस अस्तर को रख लेना है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा बनने वाला है और बहुत ही अच्छा बनेगा। आप भी ट्राई जरूर करना रक्षाबंधन स्पेशल स्लीव्स डिज़ाइन। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो ना तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको मेरे स्लीव्स डिज़ाइन कैसा लगा। और आप कब ट्राई कर रहे हो तो मैंने यहाँ पर इसको पिनअप कर लिया है इस तरीके से। अगर आपके पास पिन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से सुई धागा लेके थोड़ा सा इसमें बस 2-3 टांके लगाने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, ताकि हमें स्टिच लगाते वक्त इधर उधर नहीं हिले। खासकर ये ट्रिक बिगनर्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमें इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर का मार्जिन देते हुए जो भी मेरा मतलब शेप है उस पर मैं स्टिच लगा लूँगी। और अब हम पिन को निकाल लेंगे और इसको उसी शेप में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, बीच में से हमें इसे खोल लेना है और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो अंदर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे और ध्यान रहे कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए और इसमें छोटे छोटे कट्स जरूर लगाना है। अगर कट नहीं लगाओगे तो आपकी स्लीव्स में फिनिशिंग नहीं आएगी, ये बहुत बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, सावधानी से लगाना ताकि हमारी सिलाई नहीं कटे इस तरीके से। तो ये देखिए मेरे हैं, अब हम अपने स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके की कोई नुकीली चीज़ लेके आप धीरे से इसको निकालना, ज़्यादा नुकीली मत लेना। जो हमारे कॉर्नर हैं वो अच्छे से निकल आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, और देखो लग रहा है ये कि हमने बिना बुकरम के बनाया है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बन के तैयार हो गया है। और अब अपनी स्लीव्स को कच्चा कर लेंगे क्योंकि मैंने इसमें अंदर अस्तर लगाया है। और इस स्लीव्स डिज़ाइन को आप कई तरीके से बना सकते हो। एक तो ये बन चुका है, इसी को इसी तरीके से सिंपल भी बना सकते हो। और मैं इसमें डोरी बटन मोती वगैरह जो भी हैं, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक नहीं करते यार, प्लीज़ लाइक कर दो। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बस थोड़ी खुशी मिलती है कि आप लोग हाँ हमें पसंद करते हो बस। और भाई, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और ये मैंने डोरी ले ली है, इसको मैं सीधा कर लूँगी और फिर इसमें डिजाइन बनाना है हमको इस तरीके से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मोती लगा ली। अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप बटन लगा सकते हो। अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही इसमें सिंपल टांका लगा सकते हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि हर चीज़ हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है। फ्रेंड्स, ये हमें 4 लेयर धागा लेना है और अच्छे से टक करना है। और इसी तरीके से मैं दूसरे मोती को भी टक कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स देखिए, एक तो आप इसे जैसा है अब इस तरीके से भी आप रख सकते हो, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा दिमाग और दौड़ा रही हूँ मैं। इसमें इस तरीके से मैंने डोरी ली है तो मैं इसको थोड़ा और ही लुक देने वाली हूँ। तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, और ये मैंने डोरी लगा ली है, डोरी लगा के इसमें नीचे लटकन लगा के आप इसे ऐसे भी रख सकते हो। बट अभी मैं इसमें और कुछ करने वाली हूँ, तो मैं डोरी ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगी, छोटी रखूँगी। इसमें नीचे छोटे छोटे टजल्स लगा लेंगे। देखो फ्रेंड्स, लग रहा है ना कितना प्यारा लग रहा है भाई, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, और आप ये इस सूट में बनवा रहे हो या ब्लाउज़ में बना रहे हो या खुद से बना रहे हो, तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें लगा लिए हैं, अब इन्हें पलट देंगे। तो देखिए, अब आप इसे ऐसे भी रख सकते हो। तो दो डिज़ाइन बन चुके हैं, अभी इसमें थोड़ा सा काम और है। तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, बट मेरी कस्टमर की जो डिमांड है वो इसमें लेस लगवा रही हैं। तो ये देखिए, मेरे पास लेस का बिंडल है और इसमें मैं लेस को अटैच कर दूंगी, और लेस लगने के बाद ये और भी खूबसूरत लगने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा कितना प्यारा स्लीव्स डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। लग रहा है ना कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप ये कब बना रहे हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। पक्का ये बहुत इजी है, और देखो इसमें कोई बुकरम पेपर पेस्टिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। और कितना सुंदर लग रहा है देखो। भाई मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, मैं अपने ब्लाउज़ में ज़रूर बनाऊँगी ये। तो फ्रेंड्स, मैं कहती रहती हूँ मैं बनाऊँगी बनाऊँगी, मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता अपने ब्लाउज़ बनाने का। तो आपको मेरा स्लीव डिज़ाइन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। बाय बाय।